गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। इस बेहतरीन मंगलवार में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और SHPL के प्रोडक्ट्स को, हेल्थ के प्रोडक्ट्स को खाकर अपनी हेल्थ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज वो दिन आ चला है फिर से दोस्तों कि हम एक नए लीडर से मुलाकात करने वाले हैं और आप हमें SHPL के बारे में, SHPL में कैसे काम करना है, SHPL में कैसे सफल होना है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उनको सुनने के लिए तैयार होंगे और अगर तैयार हैं तो आपके सिर्फ मैसेज से मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को अनम्यूट करूंगा और आपकी तैयारी कैसी है वो सुनने के लिए मैं बेकरार हूं। आपकी तैयारी कैसी है उसको सुनने के लिए मैं बेकरार हूं और रहूंगा। तो अब मैं आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं और 10 सेकंड के लिए आप बता सकते हैं कि हाँ आप तैयार हैं और कितने तैयार जिंदाबाद 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 जय SHPL जी, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वेबिनार में। दोस्तों आज एक खास लीडर आने वाले हैं और उनका उनका एक कहना है कि लुटा देना अपना हर एक कतरा, लुटा देना अपना हर एक कतरा अपने मंजिल के लिए, लुटा देना अपना हर एक कतरा अपनी मंजिल के लिए कि लोग तरस उठें तेरे एक महफिल के लिए। तो लोग तरसते हैं जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं तो आपसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। SHPL में आप जब मंजिल पा लेंगे तो आपकी महफिल सजाने के लिए लोग तरसेंगे। जैसे आज हमारे लीडर आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से वक्त दिया है और आज वो SHPL में कैसे सफल होना है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आज के इस लीडर को हम बुला लेते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे लीडर तैयार हैं। आपकी जोरदार एक बार फिर से तालियों के बीच में, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर मोस्ट हैंडसम लीडर मिस्टर सूरज छेत्री। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सूरज सर का। सूरज सर आपका इंतजार हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। माहौल बनाने में आप बहुत माहिर हैं और छोटे छोटे लीडर को भी कितने बड़ी तवज्जो दे के आप इतना फर्श से अर्श पे उठा देते हैं, इसका मिसाल मैं बहुत, मतलब जब भी आपकी जूम सेशन होती है उसमें देखता आया हूं। और आपकी बदौलत आज जो हमारी जो BOP सेशंस चलते हैं, जो डेली साइन के थ्रू हमारे बिजनेस प्रोग्राम्स चलते हैं, मीटिंग चलते हैं, उसमें चार चांद लग जाते हैं। और जनवरी में इनसे मैंने बहुत अच्छी, दिल्ली में जब हमारी साथ में बैठक हुई थी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स और टेक्निक्स मैंने सीखे हैं जो आने वाले दिनों में, अभी सर से भी डिस्कस कर रहा था तो वो सारी चीजें सर खुद दिखाएंगे आने वाले दिनों में, तो उसको देखिएगा गौर से। तो दोस्तों मेरा नाम सूरज छेत्री, मैं बिलोंग करता हूँ सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से। मुझे पता है कि आप लोग जहां पर रहते हैं आप लोग कई सारे लोगों के बीच में अभी गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो यहां से मैं आप सभी को कुछ आश्वासन भरे, राहत भरे हवाएं और ठंडी और बेस्ट विशेष भेजने की कोशिश कर रहा हूं। हम यहां पर ठंडे पहाड़ी एरियो में रहने वाले लोग हैं और लेकिन जो गर्मी है ना SHPL के अंदर, SHPL के प्लांट के अंदर, SHPL की जो आबा है, सर्वश्री, सर्वश्री का मतलब क्या हुआ, सर्व सारे लोगों को श्री देना, उन्नति देना, है ना, तो वो गर्मी तो हमारे बीच में है ही है। और
फिजिकल गर्मी को कवर अप करते हुए, आप मुझे पता है बहुत सारे लोग 45 डिग्री के तापमान में भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, और उसके बावजूद वो जो गर्मी, जो उस गर्मी को पाने के लिए जो हम तरसते हैं, ये सारी 45 डिग्री कुछ भी उसको नहीं करता। तो आज वो गर्मी मैं आप सभी के बीच में पेश करने वाला हूं। आपने बीओपी तो बहुत देखे होंगे, आपने बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो बहुत सारे देखे होंगे एसएचपीएल के, लेकिन मैं फिर कुछ अलग ढंग से आप लोगों को दिखाने के लिए आज यहाँ आया हूं, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। कोशिश करूंगा कि जितने इंटरेस्टिंग वे में मैं जिस तरह से बिजनेस प्रेजेंट करता हूं अपने प्रोस्पेक्ट को, उसी तरह से आज आप सभी के सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर सकूं। और एक चीज, एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं फटाफट से, आप जितने भी लोग, मैं यहां से तो आपको देख नहीं पाऊंगा, फिर भी आप जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज अपने फोन को स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और इस आदमी का चेहरा जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको याद करके रखिएगा, और इस डे को, इस आज की बीओपी को एक आम बीओपी की तरह ना लेके, जो हम देखिए हफ्ते में बहुत सारे बीओपीज करते हैं, हफ्ते में एक दिन बीओपीज करते हैं, महीने में चार बीओपीज होते हैं, आपने बहुत सारे बीओपीज देखे होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आज की बीओपी का ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आज की बीओपी शायद मैं आपको अंदर तक झकझोर करके रख दूंगा और आपके दिलो दिमाग को टच करके जाऊंगा, और इस व्यक्ति का जो आज आपसे ये वादा कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए अभी से तुरंत। और मैं आप सभी को, सभी ने निवेदन करूंगा कि मैं अब यहां से अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं, आप सभी चैट में जाके इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे इसको, ऐसा नहीं होगा कि मैं यहां से बोलता रहूंगा और आप वहां से सुनते रहेंगे, इंटरेक्टिव सेशन बनाना है हमें, आप सभी लोग चैट में जाके, आपके चैट के ऑप्शंस खुले हैं, कितने एक्साइटेड है आप सभी लोग, अगर एक्साइटेड है, थोड़ा एक्साइटेड है तो एक्स लिखिए, डबल एक्साइटेड है डबल एक्स लिखिए, ट्रिपल एक्स, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो ट्रिपल एक्स लिखना शुरू कर दीजिए। तब तक मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना शुरू कर देता हूं। वाओ ग्रेट, अपनी जोश को बरकरार रखिए दोस्तों, एक्साइटमेंट मुझे दिखाइए, स्माइट एक्साइटमेंट, ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब, वाओ वाओ। तो आप सभी को क्या है, मेरी स्क्रीन दिख रही है तरबजीत सर, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके यस सर, सौरभ मिश्रा जी कह रहे हैं यस सर, अनिश सर कह रहे हैं यस सर, थैंक यू सो वेरी मच, आई वेलकम यू ऑल टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सभी को कंज्यूमर की एक ऐसी जमात पे इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें हर घर में सर्वश्री को पहुंचाना है, एक पे एक फ्री हर घर सर्वश्री, एक पे एक फ्री हर घर सर्वश्री, सिर्फ अगर हमें घर घर में पहुंचाना है तो आपको, आप जिस तरह से यहां पर इस बीओपी में बैठे हुए हैं, उसी तरह से अपने नए गेस्ट, अपने नए घर, जिस घर को आप सर्वश्री बनाना चाहते हैं, उस घर को भी इस बीओपी के साथ जोड़ना आपकी पहली मुहिम होनी चाहिए, और बिजनेस का फंडा भी वही है, बिजनेस में जो पैसा आएगा वहीं से आएगा जब आप किसी एक नए परिवार को, एक नए घर को सर्वश्री के कंज्यूमर नेटवर्क के साथ जोड़ेंगे और ऐसी बीओपी में आप लेके आएंगे। सो आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दैट इज माय डियर फ्रेंड एसएचपीएल सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं सर्वश्री की छोटी सी स्टोरी में आपको बताता हूं फटाफट से, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पैसे की गर्मी को देखेंगे। फेज वन हमारा स्टार्ट होता है, अभी हम लोग फेज टू में है सर्वश्री के, तो फेज वन की कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, बहुत दिलचस्प है, मेरे शहर की कहानी है, मैं बंगाल में रहता हूं, बंगाल की राजधानी की कहानी है ये। 2013 में एक बहुत ही एक हम्बल बिगनिंग, एक छोटी सी बिगनिंग के साथ इन्होंने स्टार्ट की थी 2013 सितंबर महीने में, डेट भी बता देता हूं, यहां पर स्क्रीन में डेट नहीं है, लिख लीजिए, छाप लीजिए अपने दिमाग में, 23 सितंबर 2013, क्या 23 सितंबर 2013 को एक बहुत ही छोटी हम्बल बिगनिंग के साथ इनकॉर्पोरेटेड होती है हमारी सबकी, आपकी मेरी प्यारी कंपनी एसएचपीएल सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया कोलकाता को और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कस्टमर के साथ एंगेज करना शुरू किया। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, देखिए आज हमारे पास 300+ प्रोडक्ट है, 350 भी हम कह सकते हैं, तकरीबन 350 प्रोडक्ट्स है, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट्स
शुरुआती दिनों में हम खुद नहीं बनाते थे, तो हम किसी और को के द्वारा मैन्युफैक्चर करते थे, यानी किसी एक फैक्ट्री एक इंडस्ट्री को जब हम पकड़ते थे तो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे कि वो प्रोडक्ट सिर्फ हमारे लिए बनाएंगे। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हमने वेलनेस प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, यानी कि R&D भी मेरा, प्रोडक्ट भी मेरा, मेरी विश्लेषण भी मेरा, पेटेंट भी मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन बनाओगे सिर्फ तुम। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हमने शुरुआत की। ट्रेडिशनल सेल्स में हमने ईस्टर्न जोन यानी कि बिहार, बंगाल, इस तरह उड़ीसा, आसाम, ये सारे स्टेट्स में हम ट्रेडिशनल वे में इन्होंने फेज वन में प्रोडक्ट्स को सेल किए। तो मैं इन्होंने ये शब्द नहीं यूज करूंगा, मैं हम, क्योंकि हमारी कंपनी है, हमारी कहानी है, तो मैं इस विश्लेषण को हम की हम से संबोधन करके बताना चाहूंगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल प्राइसेस विद अमेजिंग रिजल्ट। आज 2013 से लेकर 2023 तक यानी कि 10 साल का सफर अगर ये कंपनी सक्सेसफुली कर पाया तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट, इसके प्रोडक्ट के अफोर्डेबल प्राइस और इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर सवार होके आज ये कंपनी 10 साल का कारवा कंप्लीट कर चुकी है और आज SSPL के प्रोडक्ट्स की अक्रॉस इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये रहा फेज वन की कहानी। अब मैं आपको सुनाता हूं फेज टू की कहानी। 2018 से शुरू होती है, 20 मई 2018 को हमने फेज टू में एंट्री किया और दोस्तों वहां से हमारी कारवा आपकी मेरी जुड़ने की सिलसिला बना। हम सारे स्टेट्स और यूटीज में आज मौजूद है। 7 लाख से ज्यादा इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। हमारे पास 300+ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इन 10 डिफरेंट कैटेगरीज। वो कैटेगरीज क्या है वो आगे की स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे। हम एक बहुत ही लेजिटिमेट, एक बहुत ही एथिकल बिजनेस कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर है जो दिल्ली में स्थित है। हम आज के डेट में कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में बना चुके हैं, यानी कि पहले हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस कोलकाता हुआ करती थी, आज हमारी हेड ऑफिस कोलकाता है लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस आज हमारी दिल्ली है। और ग्लोरियस 5वां साल हम इस साल कंप्लीट कर रहे हैं। 23 जून 2010 इसकी तैयारी आप सभी को पता है जोरों शोरों से चल रही है और जैसे गोपाल सर ने कहा कि 5000 लोगों को भरने के बावजूद 1000 से 1500 लोग बाहर वेट कर रहे होंगे इस 10 जून की प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो आप सभी लोग प्लीज अभी से अपनी अपनी तैयारी कर लीजिएगा, टिकट बुकिंग कर लीजिए। वैसे एंट्री फी फ्री है लेकिन अपनी जाने की, सवारी की, ट्रेन की, फ्लाइट्स की, बस की, जो भी आपकी रिजर्वेशन है अभी से तुरंत कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी कंपनी से आप जुड़ते हैं उस कंपनी के सबसे पहले आपको विजन से जुड़ना होता है। तो सर्वश्री का विजन क्या है, सर्वश्री की क्या है, हमें किस मकसद से ये कंपनी बना है, तो इसको समझते हैं। हम ऑफर करना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमारे एस्टीम कस्टमर्स को इन एन वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अब इसकी मैं दूसरी तरह से विश्लेषण करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग हजारों कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करती है लेकिन एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई भी कंपनी आज के डेट में इंडिया में करती है वो है सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड। क्यों? हर कोई हलवाई अपने मिठाई को ताजा बताता है, मीठा बनाता, अच्छा बनाता। वैसे मैं भी SHPL में तो मैं अच्छा ही बता रहा हूं लेकिन आपको समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स कि SHPL डायरेक्ट सेलिंग में सबसे, मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम को सार्थक कर रहा है। क्यों, क्या उसमें ऐसी चीज है? देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाएगा और हम डायरेक्टली कंज्यूमर के घर तक पहुंचा देते हैं, बीच में मिडलमैन नहीं है। लेकिन एक सवाल, एक जलता हुआ चौथा हुआ सवाल है, आप सभी के दिमाग में भी आता होगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर के घर में जाता है तो महंगा क्यों होता है बाजार के प्रोडक्ट से? आज हर कोई कंपनी, जब भी हर कोई लीडर जब मुझसे सवाल पूछता है SHPL के बारे में तो एक ही सवाल उसके दिमाग में होता है कि प्रोडक्ट्स बाजार से महंगे या सस्ते हैं। तो ये सवाल क्यों आता है दोस्तों? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो स्वाभाविक है प्रोडक्ट तो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हुए भी अफोर्डेबल होना चाहिए क्योंकि मिडिलमैन तो है नहीं। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर इसी इंडस्ट्री में 600 रुपए के टूथपेस्ट भी बिक रहे हैं, 1200 रुपए के टूथब्रश भी बिक रहे हैं। तो क्या यह डायरेक्ट सेलिंग हुआ? अगर मेरा मिडिलमैन नहीं है तो मेरा प्रोडक्ट तो सस्ता होना चाहिए। तो ये एकमात्र कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स जो ताली ठोक के, छाती ठोक के आप भी बता सकते हैं कि वी आर द ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री हम लगाते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर के घर में पहुंचाते हैं। जो चारकोल टूथपेस्ट
बाजार में 250-300 रुपए अमेजोन में अवेलेबल है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 250-300 रुपए का 100 ग्राम अवेलेबल है, हम आपको ओनली एंड ओनली 60 रुपए में देते हैं, यानी कि 120 रुपए में हम उसको बाय वन गेट वन के तहत 60 रुपीज में देते हैं। इसको कहते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग, इसको कहते हैं एथिकल डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल। जिंजर शैम्पू आप देख लीजिए, जिंजर शैम्पू 450 रुपए का अमेजोन में आता है दोस्तों। ऑर्गेनिक जिंजर शैम्पू अगर आप सर्च करेंगे 450 रुपए से स्टार्ट होता है। आपकी कंपनी 300 रुपए में बाय वन गेट वन लेके आई है, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दिस इज द रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। क्या मेरी स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? ओके, सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं। सर्वश्री के मिशन, आज आपको कंपनी के मिशन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको विजन समझ में आ गया है, सर्वश्री के विजन से अगर आप जुड़ चुके हैं, तो आपको आज मैं सर्वश्री के मिशन और टारगेट को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी मिशन है अगले 5 साल, अगले 2025 के अंदर हम टॉप 5 में आए, टॉप 5, नॉट लेस देन टॉप 5। अगर इसी रफ्तार से बढ़े तो टॉप 5 क्या, टॉप 5 तो एक छोटी टारगेट हो जाएगी, हम टॉप 1 में भी जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जिस रफ्तार को आज SSPL ने पकड़ा है इंडिया के अंदर, हम टॉप 1 में भी जा सकते हैं, लेकिन हम टॉप 5 से नीचे हम नहीं मानने वाले। ये मेरा स्लाइड बताता है, टू बी वन अमंग द टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया बाय December 2025। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सो के भी इसको देख रहे हैं तो अभी जाग जाइए, अगर आप लेट के भी मेरे इस BOP प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं तो उठ के खड़े हो जाइए, उस जोश को लाइए, उस एक्साइटमेंट को अपने अंदर लेके आइए, क्योंकि दिसंबर 2025 तक हमें सोना नहीं है, ना नेटफ्लिक्स देखना है, ना प्राइम Amazon प्राइम देखना है, ना लेट के BOP देखना है। हमें एक्साइटमेंट के साथ में इस बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जिस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से हर घर में पहुंचाना है, हर घर सर्वश्री बनाना है, क्योंकि 2025 मेरा टारगेट है, टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर मुझे आना है। इसके लिए बहुत सारे सपोर्ट कंपनीज कर रही है। आज जो हम लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं उसको मैं अगले साइड में बताऊंगा, लेकिन कंपनी की तरफ से बहुत सारे ऐसे सपोर्ट टूल्स आपको दिए गए हैं जिसके थ्रू कंपनी का रोड मैप बन चुका है टॉप 5 में जाने का। अगला, हम आज कंपनी के सर्वश्री के मैनेजमेंट से आपसे रूबरू करवाते हैं। मिस्टर गोपाल कुंडू, CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज द फाउंडर, ही इज द विजनरी लीडर, और इनके बलबूते आज कंपनी इतना साहस कर रही है कि 5 साल पुराना कंपनी टॉप 5, यानी कि मोदी केयर वेस्टीज जैसी कंपनी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, आई एम सो सॉरी, ऐसी कंपनी को भी हम टक्कर देने के लिए। लेकिन अगर मैं लेजिटिमेट हूं तो मुझे किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, कोई वो नहीं है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं CFO हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर सुभाष साहू सर, बहुत सुलझे हुए, बहुत मैच्योर्ड, कम बोलने वाले व्यक्ति, लेकिन ज्ञान का भंडार मिस्टर सुभाष साहू सर। जब जब मैं इनसे बात करता हूं, जब जब मेरी उनसे मुलाकात होती है, तो एक अलग तरह की ऑरा, एक अलग तरह की मुझे वाइब्रेशन इनसे मिलती है। तीसरे व्यक्ति मिस्टर प्रशांत कुंडू, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्ट से लेके सारा सब कुछ देखते हैं, ये हमारे कंपनी के बैकबोन्स है। और नन अदर देन मिस्टर स्टैन सराव, बिजनेस कोच। मैं जब भी स्टेज में जाता हूं और जब से मैं सर्वश्री में आया हूं, मैं कहता हूं कि मैं डबल इंजिन का मेरा मेंटोर है, डबल इंजन की सरकार है मेरी टीम में। पहला इंजन है गोपाल कुंडू सर और दूसरा इंजन है स्टैन सराव सर। सो दीज आर माय टू मेंटर्स अलोंग विद द वेरी वेरी पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम सुभाष साहू सर एंड प्रशांत कुंडू सर। हमारे प्रोफेशनल एडवाइजर भी बहुत सारे हैं, डेडिकेटेड यंग टीम है। अगर आप कभी कलकत्ता ऑफिस में आओ या दिल्ली ऑफिस में आओ तो आपको यंग टीम देखने को मिलेंगे। इन हाउस हमारी सारी सॉफ्टवेयर बनती है, वेब प्रेजेंस और IT के जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी डिजाइनिंग का काम होता है, वो सारा का सारा इन हाउस है। हम लोग बाहर किसी से थर्ड पार्टी से नहीं कराते हैं। और उसके बाद मल्टीलिंगुअल ट्रेनर्स, आपको कर्नाटक, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, पंजाबी, इन सारे भाषाओं में आपको ट्रेनर्स मिल जाएंगे जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, और टाइम टू टाइम जूम मीटिंग्स में आप सभी ने इसका प्रत्यक्ष रूप से आप इन सभी से मिले हुए हैं। और एफिशिएंट सर्विसेज है, इस सर्वश्री के सर्विसेज की वजह से ही आज 5 साल में कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो कर पाई है। हम सर्वश्री मैनेजमेंट को तो धन्यवाद देंगे ही, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको भी हमें आगे लेके जाना होता है। जैसे कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा दिए गए सारे गाइडलाइंस को अगर कोई कंपनी आज के डेट में भली भांति वर्ड टू वर्ड मानता है, वो तो वो है आपकी कंपनी SSPL एंड ओनली SSPL। उसके साथ में जो कंप्लायंसेस चाहिए, जो जो सर्टिफिकेट चाहिए, एक
हेल्दी लीगल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को चलाने के लिए वो सारी सर्टिफिकेशन आप सभी के सामने है। हमारे पास कोसर, हमारे पास फसाई की लाइसेंस, हमारे पास जीएमओ की लाइसेंस, जीएमपी की लाइसेंस, ये सारे लाइसेंस सर्टिफिकेशन हमारे पास है। यहां पर आप देख सकते हैं और वेबसाइट में भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आगे आने वाले दिनों में अगर कोई एक चीज डायरेक्ट करता है, लीड कर सकता है, वो है आपकी विजन, वो है आपकी इस इन तरफ थोड़ी सी नॉलेज। जिस इंडस्ट्री में आप चाहे बाय चांस आए हो, भूले भटके भी पहुंच चुके हो इस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री को खासियत को समझिए दोस्तों। पहला रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जब मॉडर्न रेवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, पहला रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन दोस्तों। ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन में गरीब से गरीब लोग भी आज बिलियनर बन चुके हैं थ्रू डेट रेवोल्यूशन। जब गाड़ी की आविष्कार हुई तो उसके साथ में टायर्स भी बनने लगे, रबर इंडस्ट्री भी फ्लरिश हुई, पेट्रोल की खोजी हुई। जो देश गरीब था उस एक रेवोल्यूशन की वजह से गरीब से गरीब देश आज बहुत ज्यादा अमीर देश बन चुका है। दुबई, ओमान, बहरेन, सऊदी अरेबिया, इस सब की एग्जांपल है। अगर ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आता ही नहीं तो तेल की हमें आवश्यकता पड़ती नहीं। तो इसकी वजह से बहुत सारे चेन रिएक्शन हुआ है एक रेवोल्यूशन की वजह से। उसके बाद 1980 में दूसरा रेवोल्यूशन आया, वो था आईटी यानी कि कंप्यूटर की रेवोल्यूशन, जिसके थ्रू उसकी भी चेन रिएक्शन देखिए, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे चेन रिएक्शन हुई उसकी भी उस एक रेवोल्यूशन की वजह से, जिसके चलते आज वर्ल्ड में कोई भी 5 टॉप रिचेस्ट पर्सन को उठा लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर से ही मिलेंगे आप। जेफ बेजोस अमेज़न ई कॉमर्स की वजह से, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया की वजह से। तो कोई भी टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन को लेंगे तो वो सेकेंड रेवोल्यूशन के थ्रू आया है। अब बारी है तीसरा रेवोल्यूशन का, माय डियर फ्रेंड्स। तीसरा रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन क्या है? हमारी अगर ट्रेन मिस हो चुकी है, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन में हम पैदा ही नहीं हुए थे, 1980 में हम पैदा हुए थे, बहुत 1990 तक भी ये बूमिंग इंडस्ट्री थी, लेकिन हम वहां पर गए नहीं, हमारी वो भी बस छूट चुकी है, ट्रेन छूट चुकी है। लेकिन आने वाला जो रेवोल्यूशन है दोस्तों, उस रेवोल्यूशन के ऊपर आप अपनी पकड़ बनाइए, नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि नेक्स्ट रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो एडवाइजर है, वो एडवाइजर ने 4 वॉल्यूम में किताब लिखी है कि अगला जो रेवोल्यूशन होने वाला है वो है फूड सप्लीमेंट यानी वेलनेस इंडस्ट्री। उसके भी बहुत सारे चेन रिएक्शंस बनेंगे, तो इसमें आपको अभी से अपनी पकड़ बनाए रखनी है, नॉलेज लेना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट होने वाली है ग्लोबली। ग्लोबली ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मिलियन का मतलब समझ रहे हैं, मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है ग्लोबली। और ये भविष्यवाणी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो रेवोल्यूशन आने वाला है वो वेलनेस इंडस्ट्री का होगा। और आप खुश नसीब है कि आप एक एवरग्रीन इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जो वेलनेस को साथ में लेते हुए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। ये रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, विद डिमांड, हाई डिमांड होने वाली है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड है। और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि फार्मा इंडस्ट्री से 4 टाइम बिगर है ये इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री आप समझ रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री का मतलब होगा एलोपैथ का जितना भी दवाई मेडिसिन है, एलोपैथी के जितने भी मेडिसिन का जो पूरा एक वर्ल्ड है, पूरा एक यूनिवर्स है, उससे 4 गुना बड़ा होने वाला है ये वेलनेस इंडस्ट्री, फूड सप्लीमेंट का वो इंडस्ट्री। 4.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट होने वाली है। तो इसके बारे में आपको बहुत सारी रिसर्च मिल जाएंगे। हमारी SHPL के थ्रू जेनोमिक्स का एक कोर्स चल रहा है, जो एवरी सैटरडे चलते है, स्टैंसर के थ्रू हम उसको सीख रहे हैं। उसमें आइए, उसमें एनरोल कीजिए और सीखिए कि कैसे ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। उसके बारे में अगले स्लाइड में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश। आगे चलते हैं, न्यू रेगुलेशन क्या है हमारे मार्केट में, न्यू रेगुलेशन क्या आने वाले, मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SSPL में वेलनेस प्रोडक्ट 55% है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर 27% है, होम केयर 3%, अदर 6%, ऐसा करके मेन स्ट्रीम बिजनेस की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम पर्सन टू पर्सन जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एक दुकान खोल के कस्टमर का वेट करना नहीं है, हम अपने कस्टमर के घर घर जाके, क्योंकि वो डिमांड क्रिएट होने वाला है दोस्तों। तो ऐसी इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 130 ईयर्स ओल्ड बिजनेस मॉडल है दोस्तों ये,
1886 में सबसे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की मदद से एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी स्थापित हुई थी। उस कंपनी का नाम है एवोन। एवोन 1886 में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग मॉडल लेके आया था, है ना। तो आप जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो 130 साल पुराना इंडस्ट्री है दोस्तों। इसके बारे में अगर आपको जानना है, मैं बार बार देख रहा हूं कि मेरी डिस्कनेक्ट हो रही है ये स्लाइड शेयर, सो सॉरी। इसके बारे में अगर आपको जानना है कि मतलब पूरा इतिहास, देखिए आप इस बिजनेस में जब आए तो अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, क्योंकि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। सारे नॉलेज लेने के लिए पूरी अपनी प्राण शक्ति झोंक दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सर मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं अपनी स्क्रीन को। ओके ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ ही चुके, इस इंडस्ट्री में आ ही चुके, तो आपको ए टू जेड नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और इसके इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए कि ये इंडस्ट्री कितना पुराना इंडस्ट्री है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आप यहां पे, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, यहां पे जाके आपको बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहां पर आपको द रियल हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको दिखाई दे रहा होगा, रियल हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को देखेंगे तो आपको शुरुआत से लेके आज हमारे जो इंडिया में जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कब आया हमारे देश में, कौन सी पहली कंपनी थी, कितना टर्नओवर, ये सारा आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस है यहां पे, मैं अपनी थोड़ा सा प्रचार कर दे रहा हूं अपने चैनल का। तो यहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगे। आपको 200 से ज्यादा वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोबारा अपने स्लाइड में आते हैं। सर्वश्री ऑफिस नेटवर्क, सर्वश्री के ऑफिस थ्रू आउट इंडिया कितने हैं? जैसे कि मैंने बताया कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारका, न्यू दिल्ली, उसके बाद कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमारे हेड ऑफिस, मुंबई महाराष्ट्र में हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस, बेंगलुरु में हमारी ऑफिस। अच्छा ये नहीं दिख रहा है क्या, स्क्रीन चेंज नहीं हुई, सो सॉरी। शेयर स्क्रीन, ये अभी दिख रहा होगा ना। ओके मोहाली पंजाब में हमारे अपनी ऑफिस, गुवाहाटी आसाम में बहुत बड़ा ऑफिस के साथ में बहुत बड़ा वेयरहाउस जिसको मैं पर्सनल जाके विजिट कर चुका हूं, अगरतला त्रिपुरा में हमारे अपनी ऑफिस, इम्फाल मणिपुर में हमारी अपनी रीजनल ऑफिस, राउरकेला उड़ीसा में अपनी रीजनल ऑफिस, सूरत गुजरात, मदुरई तमिलनाडु, एर्नाकुलम केरला, और भी कमिंग फ्यूचर में बहुत सारे ऑफिस है। जैसे कि सर ने बहुत बार जूम सेशन में या लाइव सेशन में घोषणा की कि हम बहुत जल्द इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो इंटरनेशनली आपको वहां पर भी अपनी कंट्री हेड, कंट्री ऑफिस आपको मिल जाएगी। तो वन स्टेप टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ, हमारे पास प्रोडक्ट की जो मैंने 10 कैटेगरीज बताई थी उन कैटेगरीज के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हेल्थ एंड वेलनेस हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस का जो सेगमेंट है वो है 55%। उसके बाद पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर, बेबी केयर, एग्रो केयर, पेट केयर, वाटर ट्रीटमेंट एंड जेनोमैक्स। स्क्रीन अभी भी शेयर नहीं हो रहा है क्या? स्क्रीन अभी भी शिफ्ट नहीं हो रही अभी? ओके चलिए दोस्तों, स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गया है धीरे धीरे से, आप देखिए। मुझे नहीं पता क्योंकि टेक्निकल ऑफिसर्स बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, फिर भी हम लोग नेटवर्क मार्केटर्स है, डायरेक्ट सेलर है और सबसे ऊपर सर्वश्री है, डट के रहेंगे, साथ दीजिए, इस प्रेजेंटेशन को हम बहुत अच्छी तरह से लेके जाएंगे आगे। ओके शेयर हो रहा है सर जी, थैंक यू सो मच सर। तो जेनोमिक्स हमारा जो न्यूट्रोजेनोमिक्स मतलब न्यूट्रिशन बेस या जीन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं इसका भी हिस्सा बन चुका हूं। कंपनीज SHPL आपको बेहतरीन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है CCNG, जिसमें आपको जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी,
जीन बेस्ड डाइट्स, जीन बेस्ड ट्रीटमेंट, थेरेपीज, ये सारी सिखाती है। और जो कोर्स है, मुझे तो लगता है पूरा एमबीबीएस का कोर्स खोल के रख दिया है कंपनी ने। और जिस तरह से वहां पर जो क्वालिफाइड ट्रेनर्स आते हैं हमें सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए, पूरा ह्यूमन एनाटॉमी से लेकर इतनी इजी वे में, जैसे आपको बच्चे को कुछ जो कहानी सुनाते हैं उस तरह से समझाते हैं, एक एक चीज डाइजेशन के ऊपर, डायबिटीज क्या है, हड्डी का प्रॉब्लम क्या है, कैल्शियम किस तरह से खानी चाहिए, फिर उसके बाद पेट की समस्या क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, न्यू ट्रेन के क्या क्या समस्या हो सकती है, उसमें हमारे कौन से सप्लीमेंट जा सके, सारा चीज ए टू जेड सिखाया जाता है। उसके बाद जेनेटिक्स के बारे में हमारा अगले हफ्ते से क्लास शुरू होने वाला है, 2 महीने का कोर्स है। आप लोग कोई भी चाहे तो इसको एनरोल कर सकते हैं, अपने अपलाइन से बात कीजिए, अपने मैनेजर से बात कीजिए, या डायरेक्टली कंपनी से बात कीजिए कि कैसे आप उस कोर्स को ले सकते हैं। उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको बाकायदा एक लाइसेंस, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके थ्रू आप किसी को भी एज अ काउंसलर, एज अ हेल्थ काउंसलर छाती ठोक के लीगली काम कर सकते हैं मार्केट में। जब आप मार्केट में जाते हैं, ये इंडस्ट्री ऐसा बन चुका है, हमने मार्केटर और डॉक्टर के बीच में बहुत पतली रेखा रख दी है, तो हम कभी कभी अचानक से डॉक्टर भी बन जाते हैं, है ना, बहुत सारा ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद। लेकिन आपके पास वो जेन्युइन हथियार होने चाहिए जिसके थ्रू आप उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे ट्रीटमेंट्स को टैकल कर सके। तो ये एक बढ़िया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंपनी की तरफ से चल रही है, एवरी सैटरडे इसकी क्लासेस होती है, 2 महीने का कोर्स होगा, तो इसमें आप भाग लीजिए, आपके पास वो हथियार आ जाएंगे, आपके पास वो लाइसेंस आ जाएगा जिसके थ्रू आप लोगों की समस्या को एड्रेस कर सकते हैं थ्रू SSPL प्रोडक्ट्स। और जेनोमिक्स के बारे में इतना ही बता सकता हूं कि जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक किट है जिसके थ्रू जेनेटिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं, आप उछल मत जाइएगा, जो उनका दावा होता है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 2045 के बाद जेनेटिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं, वो SSPL के साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उन साइंटिस्ट का मानना है 2045 के बाद डेथ जो होता है ना, डेथ, मृत्यु एक ऑप्शन बन के रह जाएगी, यानी कि आपके हाथ में होगा कि आप मरना चाहते हैं या नहीं मरना चाहते। स्क्रीन नहीं दिख रहा है PPT। जी सर, बार बार ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक साइंटिस्ट कहते हैं कि मतलब 2045 के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो आपके जीन के थ्रू आपको मृत्यु भी, इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह की तरह बना देगी आपको। आपका मर्डर हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन बीमारी किसे या बुढ़ापे से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा समय भी आने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ जीन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी की वजह से। तो खैर, वो अलग चैप्टर है, आप क्लासेस में आइए, उसके बारे में सीखिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए। और हम लोग दोबारा से बढ़ चलते हैं POP में, अपनी प्रोग्राम में। तो जेनोमिक्स कैसे ऑर्डर करें, जेनोमिक्स ऑर्डर करने के लिए जेनोमिक्स का प्राइस है 37,500। इसको ऑर्डर करने के लिए पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको एक आईडी लेनी पड़ेगी, SSPL को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद 37,500 किसी भी नीचे दिए गए बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, उसके बाद आपको उसका स्लिप, डिपॉजिट स्लिप जमा करना है कंपनी में, SSPL सपोर्ट या अनुषा मैम को देके आप उसको प्रूफ अपना भेजिए कि मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद आपके 3 से 7 दिन के अंदर आपके घर में जेनोमिक्स किट आ जाएगा, उसमें आपको अपनी सलाइवा का आपको सैंपल देना है, उसके थ्रू आपकी आने वाले दिनों में क्या क्या आपके साथ हो सकती है ये सारी प्रिकॉशन सब दे सकते हैं। तो जेनोमिक्स के बारे में बहुत डीप सब्जेक्ट है, उसके बारे में ज्यादा बात ना करते हैं, दोबारा हम लौटते हैं अपनी BOP में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में। तो हाउ टू एसोसिएट विद सर्वश्री, सर्वश्री से जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी KYC जमा कीजिए, आपको जिसने इन्वाइट किया आज की मीटिंग में उनसे बात कीजिए, बिजनेस प्लान समझिए, उसके बाद अपनी KYC जमा कीजिए, उसके बाद फ्री में कोई सा भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई एक प्रोडक्ट लेके आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स है उस ट्रेनिंग को अटेंड करके अपनी अपलाइन की गाइडेंस में आने के बाद आप यहां से बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं जैसे हम सब लोग कमा रहे हैं। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो रीन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो बेस होता है, वो होता है रीपर्चेस। तो कंपनी ने बहुत सारे ऐसी ऑफर्स दिए हैं जिसके थ्रू रीपर्चेस के लिए हम आपको एनकरेज करते हैं। जैसे 3 मंथ का चैलेंज है, अगर आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट 3 महीने तक खरीदते हैं तो आपको चौथे महीने में 1500 रुपीज का प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री, अपने चॉइस पे कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये पहला है 3 मंथ का चैलेंज है, उसके बाद 6 मंथ चैलेंज है। अगर 6 महीने तक कंटिन्यू आप अगर आप 1000 बीबी का प्रोडक्ट परचेस करते हैं 15 तारीख से पहले, तो 7वें महीने में आपको 5000 रुपए का प्रोडक्ट ऑन एमआरपी वैल्यू अपनी चॉइस की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसी तरह से 12 महीने तक अगर आप 1000 बीबी का प्रोडक्ट 15 तारीख से पहले खरीदते हैं तो आपको 15000 रुपए का प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा आपकी अपनी चॉइस पे। ठीक है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं कंपनी, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी बिजनेस में रिपर्चेस की को मोटिवेशन मिले, बढ़ावा मिले और इनकरेज मिले। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है, अगर आप कंटिन्यू 1000 बीबी का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये दुर्घटना ना हो, फिर भी अगर किसी का दुर्घटना हो जाता है तो कंपनी जिस महीने उस एक्टिव इंडिपेंडेंट एसोसिएट का एक्सीडेंट हुआ होगा उस महीने जितने टर्नओवर की होगी, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया होगा, उसका 2% निकाल के उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके नॉमिनी को कंपनी प्रदान करती है। ऐसा एक केस ऑलरेडी कंपनी का हो चुका है, कंपनी ने कंपनसेट किया हुआ है। तो हमारे पास रिजल्ट्स और एक्शन सब कुछ मौजूद है। उसके बाद पहला इनकम की तरफ आते हैं हम। हमारे कंपनी में 2 टाइप से पैसा देते हैं, एक वीकली पेमेंट करते हैं और एक मंथली पेमेंट करते हैं, जिसको अगले आने वाले स्लाइड में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर पहला इनकम जो आपको मिलेगा वो है रिटेल प्रॉफिट। हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जब आप प्लान सुनेंगे, नंबर वन पॉइंट होता है रिटेल प्रॉफिट। पॉइंट माय नोट, इस नोट को ध्यान से सुनिएगा। हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का पहला इनकम होता है रिटेल प्रॉफिट। लेकिन कोई भी व्यक्ति रिटेल प्रॉफिट के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, कोई काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मार्जिन होता है सिर्फ 20% से लेकर 40% या 20% से लेकर 30%, इतना ही मार्जिन। तो लोग उनको पहले कंज्यूमर बनाने से पहले, उनको डायरेक्ट सेलर बनाने से पहले नेटवर्कर बना देता कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको आदमी ज्वाइन करवाना है, आप नेटवर्किंग में आ जाइए, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग को छोड़िए। लेकिन हमारी एकलौती एक कंपनी है, फिर से मैं कहूंगा SSPL इज ओनली 1 कंपनी इन इंडिया विच इज एथिकली अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कि हम डायरेक्ट सेलिंग को सार्थक करते हैं। हमारा जो पहला इनकम है हम ठाट से छाती ठोक के 10-15 मिनट लेके उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप रिटेल प्रॉफिट से कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति चाहे दिन में सिर्फ 10 चारकोल टूथपेस्ट बेच के दिन का 900 रुपया कमा सकता है, कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, सिर्फ 10 चारकोल टूथपेस्ट बेच के, 10 चारकोल टूथपेस्ट रिटेल करके दिन का 900 रुपया कमा सकता है। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा इनकम है दोस्तों। तो मैं तो रिटेल प्रॉफिट को कम से कम 20 से 25 मिनट समझाता हूं, क्योंकि हम आपको प्रॉफिट मार्जिन 100% तक देते हैं। लोगों को पहले डायरेक्ट सेलर बनाइए, सेटिस्फाइड कंज्यूमर बनाइए, नेटवर्क तो वो खुद करेगा, नेटवर्क तो उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारे पास 25% से अगर आप सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं 25% है और मार्जिन है। अगर आप बाय वन गेट वन के प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 100% तक मार्जिन मिलता है। इसके बारे में आप अपने अपलाइन से बहुत ज्यादा बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी है बाय वन गेट वन में दोस्तों, बाय वन गेट वन 100% मार्जिन में अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी है। उन पोटेंशियलिटी के बारे में बात करना तो डायरेक्टली मुझे फोन कर लीजिए, मैं और ज्यादा समझा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं सेल्फ परचेस बोनस। ये सारे वीकली इनकम की बात कर रहा हूं। सेल्फ परचेस बोनस यहां पर एग्जांपल दिखाया है, सेल्फ 2000 बीबी अगर आप करते हैं लेफ्ट एंड राइट में, अगर आप एक तरफ 5000 करते हैं तो दूसरा तरफ 3000 करते हैं, तो वो 2000 बीबी आपके वीकर साइड में आके जुड़ जाएगा, यानी कि 5000 का मैचिंग आपका बन गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपने अपने आईडी पे, सेल्फ आईडी पे 10 बीबी भी खरीदा होगा, 50 बीबी भी खरीदा होगा, तो आपके हमेशा वो वीकर लेग में जाके, पेमेंट लेग में जाके वो एड हो जाएगा। तीसरा समझते हैं टीम मैचिंग बोनस। टीम मैचिंग बोनस 10% आपका। ये जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी वीकली और मंथली पे आउट करती है। वीकली क्लोजिंग का मैं बता देता हूं, 1 से लेकर 7 तारीख तक, एक पहला वीक 7 से 14, 14 से 21, 21 से आखिरी मंथ तक, लास्ट डे ऑफ द मंथ। ये 4 हफ्तों का साइकिल होता है। बहुत सारी कंपनी में देखा गया कि एवरी मंडे क्लोजिंग करते हैं या एवरी थर्सडे क्लोजिंग करते हैं, हमारी क्लोजिंग इन डेट्स में होती है, 7, 14, 21, 30, 7, 14, 21, 30, ठीक है। और उसके बाद पे आउट 5 दिन, जिस दिन क्लोजिंग हो उससे 5वें दिन में पे आउट आपका आ जाएगा। 7 तारीख अगर आपने क्लोजिंग किया होगा तो 12 तारीख उसका पैसा आ जाएगा, 14 तारीख आपने क्लोजिंग किया तो 19 तारीख को आ जाएगा, 21 को किया होगा तो 26 को, और आखिरी दिन में किया होगा तो आपको 5 तारीख इसका पे आउट आ जाता है। 100 रुपए से कम अगर आपका इनकम बना होगा तो आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, मिनिमम 300 रुपए से आपकी इनकम बैंक में आती है। तो यहां पर यहां पर एक एग्जांपल दिखाया गया है, मैं फिर से अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, बार बार ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, सो सॉरी दोस्तों, प्लीज बेयर विथ मी।
हाँ, तो यहाँ पर एग्जांपल में टीम ए में अगर आपने 50,000 भी किया होगा, टीम बी में आपने 40,000 बिजनेस वॉल्यूम किया होगा किसी भी एक हफ्ते में, तो आपको 10% यानी यहाँ पर 40,000 का बीबी मैचिंग हुआ, तो 4,000 रुपए आपके अकाउंट में क्लोजिंग के 5वें दिन में आपके अकाउंट में चला जाएगा, और रिमेनिंग जो 10,000 बीबी था वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीम बिल्डिंग बोनस, यानी कि टीम बिल्डिंग बोनस 10% कंपनी देती है। वो कैसे देती है? आप जितने भी डायरेक्ट लोगों को लेके आएंगे, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करेंगे जितने भी लोगों को, उन्होंने जितना भी टीम बोनस कमाया होगा, यानी कि वीकली इनकम कमाया होगा, वो जो मैचिंग वाला 10%, तो उसका 10% आपको हमेशा आएगा। मैं अपनी टीम को हमेशा टारगेट देता हूं कि 6 महीने लगाओ या 1 साल लगाओ, 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर करो, है ना, 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर करो 6 महीने या 1 साल के अंदर, या चाहो तो 2 साल के अंदर 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर लगाओ। 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर अगर आप 500 रुपए भी हफ्ते का कमाता है, मार्क माय वर्ड दोस्तों, बहुत छोटा इनकम बता रहा हूं, 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर अगर 500 रुपए भी हफ्ते का कमाता है, तो 50 रुपए करके 100 लोगों से आपके इनकम बनेगा हर हफ्ते, यानी कि वो 5,000 रुपए इनकम आपका बना हर हफ्ते का। इसके ऊपर काम कीजिए, 500 रुपए क्यों, 1,000 रुपए का इनकम का जनरेट करवाइए अपने स्पॉन्सर्स का, 2,000 रुपए का इनकम जनरेट करवाइए, 5,000 का इनकम जनरेट करवाइए एवरी वीक, तो 500 रुपए करके 100 लोगों से आपको हर हफ्ता आएगा। कितना बड़ा इनकम है दोस्तों, कितना बड़ा इनकम। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, इस इनकम के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो बहुत बड़ा पैसा आपसे छूट रहा है। नेक्स्ट, टीम कंसल्टेंसी बोनस, हर 25,000 के मैचिंग पे आपको एक टीम कंसल्टेंसी बोनस का पॉइंट दिया जाएगा, जिसका वैल्यू तकरीबन तकरीबन 1,000 से 1,250 रुपए के बीच में आता है। जितना ये 10% कंपनी की पूरी टर्नओवर से 10% निकाला जाता है, और जितना पॉइंट बना उसमें डिवाइड करेंगे, तो 1,000 से 1,250 रुपए के बीच में ये पैसा बनता है। और इसकी कैपिंग 25 लाख बीबी में जाके ये कैपिंग होता है, यानी कि 100 पॉइंट पे ये कैपिंग हो जाएगा। 25 लाख बीबी जिस दिन आप कर लेंगे, उसके ऊपर जितना टीम कंसल्टेंसी मिलेगा वो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वहां से आपको दूसरा इनकम स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो पैसा अनलिमिटेड है, जो पैसा की गर्मी की बात कर रहा, 45 डिग्री में भी आप जो दौड़ रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, रास्ते में निकल रहे हैं, वो इस पैसे के लिए, इस गर्मी को पाने के लिए, तो ये पैसा बहुत ज्यादा है। तो आगे हम समझते हैं पूरी लीडरशिप बोनस को, यहाँ पर इस चार्ट में समझाने की कोशिश किया गया है। अगर आपको डिटेल में समझना है, तो प्लीज अपने लीडर से, अपलाइन से बैठिए, या मेरे को डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं, हम जूम में 1-to-1 आके मैं समझा दूंगा, मैं ऐसी कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है मेरी। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट डायमंड बनना है, तो 300 बीबी आपको सेल्फ आईडी में करनी है, मैचिंग 15,000 बीबी है। इसको मैं ना इस तरह से दिखाता हूं आपको, देखिए पहला रैंक, ये पूरी लीडरशिप बोनस लेने के लिए, टीम मेंटरिंग बोनस 15% लेने के लिए पहला रैंक है डायमंड का, जहां पर आपको अपनी सेल्फ आईडी में 300 बीबी करनी है पूरे चारों हफ्ते का मिला के। ठीक है, और टीम बीबी मैचिंग चारों हफ्ते का मिला के, चारों हफ्ते का पैसा तो आपको मिल गया हर हफ्ते, लेकिन पूरे चारों हफ्ते का पैसा मिला के फिर आपको 10 तारीख को एक पैसा आएगा, वो टीम मेंटरिंग जो लीडरशिप बोनस आएगा। ठीक है, फिर से समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह से समझाइए लोगों को। आपको हर हफ्ते जितना आपने मैचिंग किया उसका पैसा तो आपको हर हफ्ते आ ही गया है, लेकिन वो चारों हफ्ते का बिजनेस वॉल्यूम फिर जुड़ के आपको फिर से लीडरशिप बोनस दिया जाएगा 10 तारीख को। इस तरह से समझाएंगे तो थोड़ा सा इंपैक्ट बैठता है ना। तो टीम बीबी मैचिंग डायमंड, जब आप बनेंगे डायमंड बनने के लिए 15,000 बीबी लेफ्ट 15,000 बीबी राइट करना पड़ता है, चारों हफ्ते का बिजनेस मिला के सर्वश्री डायमंड बनने पे आपको टीम मेंटरिंग बोनस 5% दिया जाता है। उसके बाद 30,000 बीबी मैचिंग करेंगे तो पर्सनल बीबी 500 बीबी करना होता है। एग्जीक्यूटिव डायमंड बन जाते हैं आप, तो आपको 2% और 3%, 5% ही मिलेगा, लेकिन 2% टीम मेंटरिंग बोनस और 3% बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। उसके बाद 50,000 बीबी मैचिंग करेंगे, 600 बीबी आप अपने पर्सनल आईडी पे करेंगे तो रॉयल डायमंड आप बनेंगे, तो टोटल आपको 8% आता है, 2% टीम मेंटरिंग बोनस, बिजनेस डेवलपमेंट 3%, और एक्स्ट्रा चाइल्ड एजुकेशन बोनस जुड़ जाता है 3%। उसके बाद आता है 75,000 बीबी, 75,000 बिजनेस वॉल्यूम, 700 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, 75,000 बीबी, माइंड इट, याद कीजिए, या आपने प्रोस्पेक्टिंग करते समय बताइए, ये 75,000 बीबी चारों हफ्ते का बिजनेस मिला के, जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बावजूद फिर 75,000 बीबी अगर आप पूरे महीने का बनाते हैं, तो आपको क्राउन डायमंड की हम उपाधि देंगे, और साथ में 11% का लीडरशिप बोनस देंगे। उसके बाद लग्जरी कार बोनस तब मिलेगा जब आप 1.5 लाख बीबी लेफ्ट 1.5 लाख बीबी राइट करेंगे, और सेल्फ में 800 बीबी करेंगे चारों हफ्ते का मिला के, और एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड आप बनते हैं, टोटल 14% का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और उसके बाद ड्रीम हाउस बोनस 2.5 लाख बीबी लेफ्ट एंड 2
1.5 लाख बीबी राइट 1000 पर्सनल बीबी चारों हफ्ते का मिला के, तो आपको टोटल 17% लीडरशिप बोनस मिलता है।